आज हम बात करेंगे एफयूवी हेयर ट्रांसप्लांट के पेशेंट के मुतालिक जो कि एक्सेसिव बाल्डनेस का शिकार थे। इन पेशेंट पे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई और आफ्टर द सर्जरी ये कुछ इस तरह का रिजल्ट है। एफयूवी हेयर ट्रांसप्लांट जो कि फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन कहलाता है, इसके अंदर हम डोनर साइड से बाल लेके जो कि आपके सर का बैक का हिस्सा होता है वहाँ से लेके ग्राफ्ट को जहाँ पे बालों की कमी या जहाँ पे ग्रोथ की कमी होती है, अमूमी तौर पे सर के आगे का हिस्सा या सर के ऊपर का हिस्सा, वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। अगर हम पोस्ट ऑप पेशेंट की जर्नी देखें कि किस तरह से एफयूई के बाद पेशेंट किस प्रोसेस से गुजरता है, तो 1 महीने के बाद इस तरह से बाल होते हैं। यूजली 3rd मंथ तक जो हेयर ग्राफ्ट लगाए जाते हैं उसमें से 50-60% शेडिंग हो जाती है, जो कि बेसिकली एक प्रोसीजर का तरीका कार है। इसमें बेसिकली पुराने बाल जो होते हैं वो झड़ जाते हैं और जो नई जड़ें हमने लगाई हैं उस पे से नए बाल उगना शुरू होते हैं, जो कि 8 महीने तक बाल पूरी फुल ग्रोन अपनी हालत में आ जाते हैं। 5th मंथ पे हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आते हैं और 8 मंथ पे हमारे पास रिजल्ट फुल अचीव हो जाते हैं। और अगर आप भी बाल्डनेस या गंजपंथ का शिकार हैं और हेयर ट्रांसप्लांट का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो हमारे पास हैश क्लिनिक पे विजिट करें। शुक्रिया।